तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान 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 और बस जवान। या दोस्तों चारों तरफ बस जवान ही जवान चल रहा है। देखो देर ही सही, लेकिन अब मेकर्स बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। हर दिन जवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं। या दोस्तों आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, बस समय निकाल के देख जरूर लेना अंत तक, क्योंकि आज आपको बताऊंगा प्रीव्यू में जो चार लुक दिखाए गए थे वो तो बस थोड़े से थे, वो तो बस ट्रेलर ही था। मतलब चार से भी ज़्यादा लुक्स होने वाले हैं एसआरके की पूरी मूवी में। दूसरा ये कि ओवरसीज और साउथ में अच्छी पकड़ बनाते दिख रही है जवान, क्योंकि हिंदी से तो बम्पर कमाई मिल ही जाएगी। तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इनकी पूरी मूवी में? टोटल कितनी स्क्रीन्स पर मूवी को रिलीज करा जाना है पूरी दुनिया में, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी एसआरके के डाई हार्ड फैन हैं और जवान मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। या दोस्तों एसआरके के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, अब ये मत कहना थम जा भाई, काहे इतना सस्पेंस बना रहा है, एक बार में बता दे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 8 लुक्स होने वाले हैं एसआरके के, मतलब पूरे 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते नजर आएंगे हमारे किंग खान। और देखो 8 के 8 कैरेक्टर्स में फिर भी यही बंदा बैठ सकता है, मतलब समझ सकते हो हर 8 कैरेक्टर्स में एक नया एसआरके देखने को मिलेगा। और डोमिनेंट जो चार हैं वो प्रीव्यू में हम देख ही चुके हैं, वही होने वाले हैं। एक वो यंग जवान वाला कैरेक्टर, दूसरा मास्क वाला कैरेक्टर, और तीसरा पट्टी बांधा हुआ कैरेक्टर, और चौथा बाल्ड लुक गंजे वाला कैरेक्टर। लेकिन इसके अलावा भी 4 कैरेक्टर्स और होने वाले हैं। खैर अभी ये तो रिवील नहीं हुआ है कि कौन कौन सा कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन इस केमिस्ट्री से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एसआरके जो बाप का भी रोल प्ले करेंगे और खुद अपने बेटे का भी रोल प्ले करेंगे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी ज़बरदस्त होने वाली है। देखो जब जवान का प्रीव्यू आया था तब लोगों का कहना था कि एसआरके को तो पूरा ही दिखा दिया इन्होंने, अब ये ट्रेलर में क्या दिखाएंगे? तो मेरे भाई बहुत है अभी इनके पास दिखाने को, और उसके बाद ही मूवी में बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा आफ्टर ट्रेलर भी, क्योंकि ढेर सारे कैमियोज भी हैं। तो इतना सब कुछ है, फिर इतनी बड़ी कास्ट, खुद एसआरके के 8 कैरेक्टर्स, उसके बाद 2 से 3 कैमियोज, और सबसे बड़े कैमियोज तो थालापति विजय का होने वाला है, साथ में संजू बाबा भी हैं और सलमान खान का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। भाई साहब मूवी जबरदस्त होने वाली है, छोटे पैक में बड़ा धमाका मिलने वाला है आप लोगों को, तो दिल थाम के बैठ जाओ। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक ही मूवी में इतना सब कुछ एक साथ कैसे दिखाएंगे? तो भाई साहब मूवी की लेंथ होने वाली है लंबी। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 3 घंटे का रन टाइम होगा मूवी में। बाकी बात अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो दोस्तों इस बार ओवरसीज में अच्छी खासी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स, क्योंकि पठान में जो रेस्पॉन्स देखने को मिला था, सिर्फ ओवरसीज से 393 करोड़ के आसपास बिजनेस किया था, जिसमें से सिर्फ यूएसए से 143 करोड़ के आसपास होल्ड करा था। दोस्तों अगर यूएसए में ही अच्छी पकड़ बना ली जवान ने तो इसे बॉक्स ऑफिस में एक मोटी कमाई करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। दोस्तों यूएसए में इंडियन मूवीज़ को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, साथ ही एसआरके की फैन फॉलोइंग अमेजिंग है पूरी दुनिया में। दोस्तों जवान को भी अगर पठान की तरह अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल गया तो इस बार 500 करोड़ कहीं नहीं गए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में जवान के ओवरसीज से। इसी के साथ दोस्तों इस बार स्क्रीन्स भी ज़्यादा दी जा रही हैं ओवरसीज़ में। देखो पठान को लगभग 2700 स्क्रीन्स दी गई थी पूरी दुनिया में, तो इस बार जवान को लगभग 3200 से 4000 स्क्रीन्स दी जाने वाली हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया में जवान को लगभग 5000 स्क्रीन्स दी जाने वाली हैं। बाकी बात अगर बॉक्स ऑफिस में इंडिया की करें तो इस बार साउथ में ज़्यादा पकड़ बनाते दिख रहे हैं जवान, क्योंकि साउथ के ही डायरेक्टर हैं, साउथ के ही मल्टीपल एक्टर्स हैं, मेन लीड एक्ट्रेस भी नयनतारा जी हैं जो साउथ से बिलोंग करती हैं, तो शायद इस बार जवान को साउथ से 200 करोड़ का मैक्स टू मैक्स कलेक्शन मिल ही जाएगा। बाकी हिंदी बॉक्स ऑफिस से लगभग 600 करोड़ का बिजनेस कर ही लेगी मूवी। इसी के साथ दोस्तों टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करूं तो सब मिलाकर पूरी दुनिया से लगभग में लगभग 1200 से 1500 करोड़ के आसपास होल्ड देखने को मिल सकता है। बाकी रिव्यू रिएक्शंस और भी ज़बरदस्त रहे तो मे बी बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड ये तोड़ सकती है, जो कि लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाहुबली 2 का 1800 करोड़ था। बाकी मैंने बहुत बोली, अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है क्या मूवी 1200 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर भी पाएगी या नहीं? दूसरा आप सभी को ट्रेलर का कितना बेसब्री से इंतजार है? फटाफट डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।